लखनऊ में पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लूट की घटनाओं को उनका खुलासा किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया है कि गैंगस्टर में जो अभियोग दर्ज होंगे उनकी गिरफ्तारी होगी, जो अभी बाकी हैं उनकी भी जल्द गिरफ्तारी होगी और कई सालों से फरार इनामिया 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं अपराधियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि अधिकारियों को कि जनता से जुड़ी हर एक समस्या में अधिकारी ध्यान दें। लूट की अधिकतर घटनाओं को हमने वर्कआउट किया है, बरामदगी का प्रतिशत जो है वो कहीं पूरा है कहीं कुछ कम है, लेकिन अधिकतर घटनाएं वर्कआउट हुई है, सही वर्कआउट हुई है। गैंगस्टर एक्ट में आपने देखा होगा राइटअप में आपको जो दिया गया है उसमें जो मुकदमे कायम हुए हैं उसकी संख्या सब है, लेकिन सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी उसमें नहीं हुई है। तो हमारा प्रयास नए वर्ष में ये रहेगा कि जितने हम अभियोग पंजीकृत करेंगे गैंगस्टर एक्ट के उसमें सभी की गिरफ्तारी होगी और ये जो अभी शेष है उनकी भी अभी गिरफ्तारी होगी जो बचे हुए हैं। इसी प्रकार आपने देखा होगा उपलब्धियों में कि अपहृत और गुमशुदा बच्चों की बरामदगी का प्रतिशत काफ़ी अच्छा है, लेकिन मेरे पास वो भी सूचनाएँ हैं थानावार जोनवार जहाँ पर अभी बरामदगी शेष है।